मानवों और इस समय उपस्थित हमारे साथीगण, और इस तरह से अभी मैदान के बीच दोनों ही टीम फाइनलिस्ट टीम मैदान में धीरे धीरे प्रवेश करते हुए सारना टाइगर एफसी और पगलावासा की टीम, दोनों ही टीम लाइनअप हो चुकी हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जबक संघ के बीच या हमारे मंच पर आसीन सभी सदस्यों से साथ ही साथ मुख्य अतिथि, और मैं चाहूंगा कि जितेंद्र गुप्ता जी, श्री जितेंद्र गुप्ता जी को मैं युवसंघ के सदस्य में एक वेश पहनाकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा काफी देर के बाद यहाँ हमारे मंच पर आसीन, और युवसंघ के अध्यक्ष जी श्री खेल का प्रदर्शन करने के साथ परिचय देते हुए देने के लिए हमारे स्पोर्टिंग क्लब को तमाम सबों को अच्छा दिशा देने के लिए सदर चैबासा विधायक श्री दीपक बिरुआ जी, साथ में हमारे क्लब अध्यक्ष प्रकाश मूर्ति जी, क्लब उपाध्यक्ष श्री जोजो मूर्ति जी, क्लब सचिव श्री अजय मूर्ति जी, क्लब कोषाध्यक्ष श्री सिपाही मूर्ति जी, सुरेंद्र पुर्ती जी सा कोषाध्यक्ष, साथ में देवानंद पुर्ती क्लब संरक्षक, टिकराहतु पंचायत के उप मुखिया श्री मिरन पुर्ती जी को, साथ में तमाम बुद्धिजीवी सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड के सदस्य कुलदीप सिंह, सेल्स अधिकारी जितेंद्र चौरसिय, डेवलपमेंट अधिकारी राजश्री, फील्ड असिस्टेंट अधिकारी और साथ बिल्कुल मंच के बाएं छोर पर पूर्वी दिशा पर पीली जर्सी पर देखा जा रही है पागला एफसी पागला भाषा की टीम, और मंच की दाहिनी छोर पश्चिमी दिशा पर सारना टाइगर एफसी यानी हाथी माड़ा। चलिए तो बिल्कुल हमारे साथ बने साथी कमेंटेटर शंकर सिंह को जी आगे आपको देखा, हाल में मामा 5 मिनट का एक समय ले, मैं 5 मिनट का समय लूंगा। बेहतरीन मौका इस वक्त छूटता हुआ, जहां आप गोलकीपर से टकराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फाउल का इशारा मिलती है, इसका नजरअंदाज आपको करना होगा, इसका नतीजे का एक भुगतना भी हो सकता है। मित्र पगलावासा के पास जो कि अच्छा टीम को पछाड़ने में सफल रही थी, जिसमें से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला में जैसे टाइट रद्द स्टार्टअप लूज की टीम को, और सुंदर यहाँ पे एक अच्छा ड्रिबलिंग रूपेश, बहुत ही खतरनाक मौका बन सकता है, यहाँ पे देखना होगा, काफी जबरदस्त यहाँ पे एक सुनहरा मौका, करीबी डी बॉक्स के समीप गेंद को लगाने का प्रयास किया था लेकिन असफल, शून्य शून्य की प्राप्ति। चलिए तो शंकर सिंह को जी हेलो मिस्टर साधुचरण हिरा जी ले कमिटी के सहयोग के लिए 5,000 रुपये नगद समिति को सहयोग किए हैं। मैं मिस्टर साधुचरण हिरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि एक अच्छा सोच अच्छा विचार रखते हुए हमारे पूर्ति स्पोर्टिंग क्लब कुंडबेड़ा को नगद 500 रुपये सहयोग राशि। Thank you.
फॉलो फॉलो फॉलो। और इस तरह से अभी मैदान के बीच से आज का फाइनल मुकाबला सारना टाइगर एफसी बनाम फगला वसा के बीच में। और आप सबको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहिए कि मैदान के पूर्वी छोर पर फगला वसा की टीम जो पीला और काले जर्सी पर और ठीक इसके विपरीत यानी मैदान के पश्चिमी छोर पर सारना टाइगर एफसी की टीम। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर यह मौका बन सकता है। से अपना खुशी जाहिर करते हुए पगला बसा के टीम बहुत ही सुंदर यहां पर पास लेफ्ट चोर के लिए निकाल दिए। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और बिल्कुल इस मौके को हाथ से निकलने नहीं दिया और सीधे बाएं पैर से किक करते हुए ये अपने टीम को 1-0 से बढ़त बनाते। और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेंगे क्योंकि अब यहाँ पर टाइगर एफसी को एक दर्द भरी एक गोल मिली है। इस गोल को किस तरह बराबरी पर तब्दील करते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पास देते हुए सारना टाइगर राइट चोर से और यहाँ पर बॉल का इशारा इस तरह से फ्री किक का मौका मिलता हुआ लंबे कद खिलाड़ी जो इस समय मैदान के दक्षिणी चोर से सारना टाइगर एफसी की टीम जो अभी अभी 1-0 से पिछड़ते सारना टाइगर एफसी। और समय काफी है और देखना पड़ेगा यहां पर ऐसे बढ़िया उड़ू कहते अबे पीछे ले जीवक्सन विचार के देते अभी जीवक्सन का अभी 3,000 रुपये सायब राशि की ऐसे पूरा धन्यवाद जो निबिन सरंगे थे हुजू तिबा कने थे नन समय मंच रे आशीर्वाद मिला किए। चलिए अभी मैदान की ओर चलते हैं जो जिसमें सारना टाइगर एफसी और पगला बसा के बीच में जो पगला बसा 1-0 से बढ़त बना चुके हैं और यहाँ पर जोरदार किक लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी छूट किस तरह से नहीं तो ये 2-0 की बढ़त बन सकता था पगला बसा को लेकिन तरफ पास देते हुए 7-9 के लिए सारना टाइगर राइट छुपर कर निकाल दिया। पर खिलाड़ी मौजूद अच्छा पढ़ा दिया निकाल दिया पर बिल्कुल अकेले आगे खिलाड़ी मौजूद नहीं और इस तरह से लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद नहीं इस तरह से बोल को वहाँ पर कुछ पल के लिए वहाँ से डाल दिया है। अभी इस तरह से एक खिलाड़ी यहाँ पर गिर पड़े हैं थोड़ी सी चोटी देखना पड़ेगा पगला बसा की टीम। तो अभी हम बता रहे थे पगला बसा के बीच में चल रही है जो कि पगला बसा 1-0 से ये मध्यंतर से पहले ही एक गोल की बढ़त बना चुके हैं और गोल को बराबर भी करने के लिए यहाँ पर सारना टाइगर एफसी काफी प्रयास कर रहे हैं और सारना टाइगर को भी काफी मौका मिला था लेकिन उस मौके को स्कोर में तब्दील नहीं कर पाने की वजह से अभी 1-0 से पीछे चल रहे हैं। अभी भी मौका बन सकता है काफी समय है देखना पड़ेगा यहाँ पर। और कहा जाता है कि ये खेल निस्तंभ खेल है कभी भी कुछ भी हो सकता है ये खिलाड़ियों पर डिपेंड करे कि वो अपना खेल को किस तरह अपना प्रदर्शन करते हैं। और इस तरह से अभी पगला बसा के पास धीरे से कट करते हुए निकाल दिया पर साथी खिलाड़ी को देखना पड़ेगा और धीरे धीरे देख रहे अपने साथी खिलाड़ी को किसको पास दो इस तरह से अभी धीरे धीरे सरकाते लेफ्ट चोर के लिए निकाल दिए और खिलाड़ी मौजूद धीरे से बॉल को अपने कब्जे में करते हुए सीधा निकाल दिया 9 नंबर के लिए लेकिन वो हेडर के जरिए बॉल को आगे निकालने का प्रयास लेकिन धीरे धीरे सैंडल के आसपास और अभी भी अपने कब्जे में करते हुए गिर पड़ते बॉल को अपने कब्जे में करते हुए 11 नंबर और उछाल दिया है सेंटर एरिया के पास लेकिन वहां पर अपने पैरों से ना टकराने की वजह से धीरे धीरे बॉल चली गई साइलेंट से बाहर। तो रिंग का मौका मिलेंगे सारना टाइगर एफसी। और एक सूचना मैं खुशी जाहिर करना चाहूंगा टाइगर एफसी
बहुत मजबूत टीम है, लेकिन खेल में हार जीत होना तय है। और इनमें से एक समय सीमा के अंदर जो स्कोर बड़ा स्कोर भागेंगे वही विजय श्री हासिल कर पाएंगे। और इस तरह से पुनः 11 नंबर के पास सन्ना टाइगर राइट फ्रॉड के लिए निकाल दिया, 18 नंबर जर्सी पर धीरे धीरे बॉल को सीधा निकाल दिया राइट फ्रॉड के लिए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद बॉल को अपने पैरों से टकराते हुए धीरे से धीरे धीरे साइडलाइन के आसपास दोनों खिलाड़ी के बीच आपसे जुड़ते हुए और बॉल चली गई सैंडल से बाहर। तुरई का मौका मिलेंगे सन्ना टाइगर को, 18 नंबर जर्सी पर लंबे गति के खिलाड़ी और पीस इस तरह से चली गई सैंडल से बाहर। जो तिबाक ने पूरे वो अतिथि को निंदा मिला कर लोगे एंते यशुराज रे गजी जो अतिथि के अंतिम उन्होंने आपा की बढ़त कर एंते ना गोल बराबर भी आगोई लगी निंदा रे अब सन्ना टाइगर एफसी इस प्रयासरत मिला ये, लेकिन नलकी ने वो अंतिम क्षण तक अकेले गोल बराबर की अवधि थी बना, लेकिन इतना ही तेज निंदा रे नलकी ते ने अब पगला बसा बहुत बेहतरीन पास निंदा रे निलकते निलकतने पास आया साथी खिलाड़ी मिड फील्डर बहुत ही सुंदर 10 नंबर की मैया 10 नंबर पुना 2 नंबर लगे पुटी पेते वाला कना नलकी ते ने की निंदा रे सीधा बीच की ओर तटा डी बॉक्स रे ता मौके भी नम दे लेकिन जो कल के चुको है ना लेकिन पीर धीरे धीरे मिड फील्डर बॉल आयर पा आया साथी खिलाड़ी 15 नंबर के जवाब का 15 नंबर आयस में इनका संघर्ष था एंते सुबह सुबह तो आयर पा बोला कड़की लेकिन इनका भी डिफेंडर बॉल दबाव के तायर पा की कुलू रे किटे पगला बसतार में ना बॉल ऐसे पड़ी चकत की थे 10 नंबर पुनः यहाँ साथी खिलाड़ी 6 नंबर लगे 6 नंबर सीधा आयर पा लगे होता कुटी पे लगी मांडी कुटी लगी एंते सुबह सुबह ते नेल को तो ना पिंग किया जुड़ी से पेट को जोरदार शूट एंते लेकिन इंतार गोलकीपर टकरा ना ये दूसरा गोल। बहुत ही जबरदस्त गोल यहाँ पर 10 नंबर के पैरों से इस तरह से दो शून्य से बढ़त बनाते हुए यहाँ पर पगला बासा के टीम बहुत ही खुशी की बात है और अपना दिशा में आ जाएं क्योंकि समय काफी कम है। आप खुशी जाहिर करना अच्छी बात है लेकिन समय को बढ़त बनाते हुए यहाँ पर पगला बासा की टीम काफी सुंदर का खेल का प्रदर्शन अब देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सन्ना टाइगर एफसी गोल को बराबरी में कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही सुंदर पास डिफेंडर को अपना लेफ्ट शॉट के लिए निकाल दिया है खिलाड़ी मौजूद 4 नंबर जर्सी पे आपसी तालमेल बनाते हुए और अपना 10 नंबर धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाते हुए किसी तरह का कोई रिक्स नहीं लेना चाहते क्योंकि 2 से निकल से बढ़त बना चुके हैं 7 नंबर पुनः 18 नंबर को निकाले हैं। इस तरह से अब मोमेंट बनाने की तैयारी किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि सन्ना टाइगर एफसी बहुत मजबूत टीम होने के बावजूद भी 2 शून्य से पिछड़ते हुए इस समय चली गई सैनल से बाहर। मैदान दर्शकों से कचाकच भीड़ बड़ी भीड़ के बीच खेल चलता हुआ अब देखना पड़ेगा मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ इस समय 2-0 से चलता हुआ और इस तरह से आज बहुत सारे खेल हम लोग देखे इसमें से 40 प्लस का खेल भी हम लोग देखे और साथ ही साथ महिला वर्ग से भी फाइनल मुकाबला हम सब देखे जिसमें से 40 प्लस में जो इस साल का चैंपियन टीम बना हुआ और इस तरह से अभी मौका बन सकता है लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बाउल हो सकता है और इस तरह से बाउल का इशारा करते हुए हमारे बाबुलू जी मुख्य रेफरी की भूमिका में अब मौका मिलेंगे यहाँ पर सन्ना टाइगर एफसी को गोल को कुछ अंतर में लाने का एक मौका एक अवसर यहाँ पर मिला है। अब देखना पड़ेगा क्या इस मौके को स्कोर में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। फोटो कर दो अच्छा से।
8 दिन तो आता है। काफी बेहतरीन मुकाबला ज्यादा सफेद है सामने टाइगर पेप्सी बनाम कबला बासा के बीच में जाना जो कांटे का मुकाबला दोस्त से ऐसी पिछड़ने के बावजूद सरना टाइगर एफसी अभी भी मैदान के बीच अब देखना पड़ेगा लंबे कद के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार और यहाँ पर तीन प्लेयर वॉल बना और इस तरह से यहाँ पर निशाना सही था बिल्कुल उसको अपने साथी खिलाड़ी के से सटते हुए बॉल चली गई गोले चला वहां पर थोड़ा सा टच करना था लेकिन इतना स्पीड था बॉल कि उसका साथी खिलाड़ी बॉल को समझ नहीं पाया और सीधा छोड़ दिए चली गई गोले पोस्ट के पीछे पीछे। और इस तरह से अभी मैदान के बीचों बीच अच्छा पास राइट फ्रंट को निकाले धीरे धीरे बॉल को सरकाते हुए लंबी विचार और इस तरह से गोलकीपर के कब्जे में जो इस समय दो एक का खेल चलता हुआ बहुत ही बेहतरीन ड्रिबलिंग अच्छा ड्रिबलिंग यहाँ पर अच्छा कट किया है 15 नंबर जैसे लंबे कद के खिलाड़ी लेफ्ट चोर के निकाल दिया है और वहाँ पर खिलाड़ी लंबे कद के 10 नंबर जैसे लेकिन वहाँ पर बॉल को अपने कब्जे से बाहर और इस तरह से थ्रो पास देते हुए 10 नंबर को मिला था लेकिन 10 नंबर से छूटे इस तरह से फिर सन्ना टाइगर के पास धीरे धीरे बॉल को आपसी जुझते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें पुनः 15 नंबर ना साथी खिलाड़ी को तीन निकाल दिया 18 नंबर के लिए मौका बन सकता है यहाँ पर और इस तरह से सीधे आपस में टिनाटिनी करते हुए चली गई गोल लाइन से बाहर और शायद छोड़ देता था ये मौका बन सकता था कॉर्नर का लेकिन वो चाहते थे कि बॉल को अपने कब्जे में ले लेकिन चली गई गोल पोस्ट के पीछे और इस तरह से अभी भी 2-0 से चलता हुआ अंतिम समय तक देखना होगा 7 नंबर 11 नंबर को दिए हैं अच्छा निकाल दिया लेकिन वहां पर सही दिशा नहीं दे पाए इस तरह से निकाल दे बहुत ही बढ़िया यहां पर 7 नंबर जैसी पर बहुत ही तेज तरह बॉल को आगे निकालते हुए बैक पास किया है साथ ही के लिए 5 नंबर के लिए 5 नंबर निकाले 6 नंबर के लिए और इस तरह से तालमेल बनाते हुए अच्छा ड्रिबलिंग यहाँ पर पुनः 5 नंबर को मिलता हुआ 2-0 से आगे चलता हुआ अच्छा पास एक दूसरे को छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर ड्रिबलिंग सेल लेन के आसपास और इस तरह से यहाँ पर मौका और मिल सकता है 7 नंबर निकाल दिया अपने साथ के लिए 5 नंबर लिया की करने की आवश्यकता और धीरे से पुश किया और कमजोर से की किए मौका बन सकता था 3-0 से बढ़त के लिए इसी के साथ समाप्ति की घोषणा